Welcome to all in next frame, myself Rakesh Kumar Chauhan और आज हम discuss करने वाले हैं glands को और glands में हम endocrine system को पढ़ेंगे और इस endocrine system से जितने भी questions आपके railway, SSC और other competitional exam में पूछे जाते हैं हम उन सभी questions को cover करेंगे ताकि एक भी questions आपका exam में skip ना हो। So, आज हम करने वाले हैं ग्लैंड्स को और उस ग्लैंड्स में हम मेनली करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को हम आज कवर करेंगे। सो हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स होते क्या है, ग्लैंड्स एक बायोकेमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। कैसा सब्सटेंस, बायोकेमिकल, तो लिख लेते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा और इस सिक्रीशन में मेनली आपको क्या मिलेगा, हार्मोन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हार्मोन्स मिलेंगे और दूसरा जो सिक्रीशन होता है वो होता है एंजाइम का। किसका होगा, एंजाइम का, मतलब बायोकेमिकल सब्सटेंस जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं, एक होगा हार्मोन्स और दूसरा होगा एंजाइम। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब हार्मोन्स डायरेक्टली कहां सिक्रीट होते हैं, इन ब्लड, कहां सिक्रीट होंगे, इन ब्लड, और ये ब्लड में सिक्रीट नहीं होते। तो इन ब्लड सिक्रीट कौन हो रहा है, हार्मोन्स, और कैसे सिक्रीट होता है, यह डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होगा और ये होता क्या है, डक्टलेस होता है। क्या होता है, डक्टलेस, यानी नलिकाएं नहीं होती, बट एंजाइम्स के अंदर क्या होगी, ये डक्ट के थ्रू होगा। कैसे होगा, डक्ट के साथ एंजाइम सिक्रीट होता है बॉडी में और ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायोकैटालिस्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोकैटालिस्ट। अब पूछ ले एंजाइम क्या होता है, तो बायोकैटालिस्ट और कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर दे, यानी एनहांस करता है कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, और एंजाइम को बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। यानी क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द बायो कैटालिस्ट, तो आंसर विल बी एंजाइम। क्लियर है। अब जो एंजाइम सीक्रेट करता है इसको आपने क्या बोलना है, एक्सोक्राइन। क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन सिस्टम। क्या होगा, एक्सोक्राइन सिस्टम वो होगा जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा, जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन सीक्रेट करेगा, वो कहलाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। और एक्सोक्राइन सिस्टम के भी हम बात कर रहे हैं तो एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या आएगा, पैनक्रियास। पैनक्रियास एक्सोक्राइन में आएगा, लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल क्या होता है, लैक्रिमल जो एंजाइम सीक्रेट करता है आईज में और यहां से आपको आंसू भी निकलने लगते हैं, तो वो कहां से आता है, लैक्रिमल ग्लैंड से। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आंखों में जो आंसू आते हैं वो किस ग्लैंड के द्वारा आते हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। और ये सब क्या है, एक्सोक्राइन सिस्टम में आते हैं। तो एक्सोक्राइन सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्वेट है, पसीने हैं, तो ये भी कहां से आते हैं, तो ये सब एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। जो मेनली पार्ट है मेजर एरिया बायो के ग्लैंड्स का, तो वो है एंडोक्राइन सिस्टम। और ये है आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये है थायरॉइड ग्लैंड, दिस इज द थाइमस ग्लैंड, और ये है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड,
देन पैनक्रियास ओवरी फीमेल्स में पाए जाते हैं और टेस्टिस मेल्स में पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम को कवर कर लेंगे। फर्स्ट जो है गाइस हमने देखना है वो है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। क्या है पीनियल ग्लैंड? और हम पीनियल ग्लैंड, ये देखिए ये है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है? तो ये ब्रेन में हो पाया जाता है पीनियल ग्लैंड, और इसको मिड ब्रेन में भी हम कह सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में पाया जाएगा पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? थर्ड आई ऑफ द बॉडी। ये भी याद रखना है, पीनियल ग्लैंड को क्या बोलेंगे? थर्ड आई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि थर्ड आई किस ग्लैंड को बोलते हैं, तो वो आंसर क्या होगा? पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं थर्ड आई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है, आपके स्लीपिंग, क्या आपको सोना है, कब सोना है, क्या करना है, तो वो उसको रेगुलेट कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। तो क्या हुआ है यहां पर? स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट स्लीपिंग पैटर्न। और ये क्या सीक्रेट करता है? ये मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। ये आपको याद रखना है कि पीनियल जो ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है। साथ ही यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पीनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं? थर्ड आई। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह कहां पाया जाएगा? मिड ब्रेन में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के काम क्या क्या है? ये नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और नोट्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो ग्लैंड से क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि घुमा फिरा के दे दे, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहां पाया जाता है? बेस ऑफ द ब्रेन। आप ये देख रहे हैं बेस ऑफ द ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो यहां लिख सकते हैं बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम क्या है? ये बॉडी को क्या करता है? जितने भी ग्लैंड्स है उन सभी को ब्रेन से कनेक्ट कर देता है। क्या करता है? ब्रेन से कनेक्ट करता है, और इसे हम कनेक्टर के तौर पर कह सकते हैं। साथ ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। यह आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, उसके ग्लैंड्स में सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस। साथ ही हाइपोथैलेमस और क्या काम करता है? तो हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। साथ ही यह आपकी भूख को, हंगर, और आपकी प्यास, भूख प्यास और बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करेगा? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही है जो रेगुलेट करता है
बॉडी के टेम्परेचर को, साथ ही भूख को और प्यास को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। कई बार हाइपोथैलेमस जो है कम सिक्रीशन होगा तो कई बार भूख का पता नहीं चलता, तो यह भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाएगा कि भूख ना लगना वो किस ग्लैंड के सिक्रीशन से कारण होता है, कम सिक्रीशन के कारण होता है, तो वहां पर क्या होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस की बात जो हमने पढ़ना है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पाया जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही मटर के दाने जैसा होता है। कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होगा। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्लैंड बॉडी का कौन सा है, तो यहां पर क्या आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या है ये? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये कहां पाया जाता है? बेस ऑफ द ब्रेन। कहां होगा? बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, अब स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल दिया, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या होता है, तो वो होता है लीवर। क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होगा लीवर, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, तो वहां आंसर होता है थायराइड ग्लैंड। यदि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेगा तो थायराइड होगा, और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात होगी तो वहां पर आंसर क्या होता है, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। अब ये सेक्स हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। सेक्स हार्मोन्स को भी सीक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ ही ये एसटीएच हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा? एसटीएच हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एसटीएच हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। क्या हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। अब ग्रोथ में कई बार ऐसा होता है कि कोई ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, किसी की कम रह जाती है, तो उसमें होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हाइपर सिक्रीशन हो जाता है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन ऑफ क्या होता है, एसटीएच हार्मोन जब हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन जब हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो वहां पर एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगेंटिज्म। यानी कि जिसकी हाइट 5 फुट होनी चाहिए थी उसकी हाइट 6 फुट के करीब हो गई, तो उसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। अब 6 फुट हो गए तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हाथ पतले रह गए, कुछ चीजें डिफेक्ट हो जाता है, उसके पैर पतले हो गए, या फिर कुछ और बॉडी के पार्ट्स टेढ़े मेढ़े हो गए, तो वो होगा गिगेंटिज्म। यदि हाइपर सिक्रीशन हो जाए, ये हाइपर हो गया, हाइपो हो जाए यानी कि कम सिक्रीशन होगा, अब हाइपो सिक्रीशन होगा तो वहां पर क्या होगा, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म हो जाएगा यानी कि बौनापन हो जाएगा। कई बार सुना कि लोग काफी छोटे रह जाते हैं, हाइट 3 फुट 3.5 फुट रह गए, तो उसमें कौन सी बीमारी है? ड्वार्फिज्म, यानी कि हाइपो सिक्रीशन हुआ, हाइपर नहीं हुआ, ना कि नॉर्मल हुआ, उसमें हो गया हाइपो, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसने ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ही नहीं किया। जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट करेगा पिट्यूटरी, तो वहां पर क्या होगा, उसको ड्वार्फिज्म हो जाएगा, और हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो गिगेंटिज्म हो जाएगा। क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? एसटीएच हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन को भी
सिक्रेट करता है, साथ ही या बेस ऑफ ब्रेन पाया जाता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। क्लियर है यहां तक? अब मिल्क का प्रोडक्शन के लिए भी ये हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। जब प्रेग्नेंट वुमन होती है तो वहां पर सिक्रीशन किसका होता है? का पिट्यूटरी ग्लैंड का, मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद थायरॉइड ग्लैंड को, जिसको पढ़ने वाले हैं थायरॉइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है गाइस थायरॉइड ग्लैंड, और ये थायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरॉइड ग्लैंड से आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या होता है? लीवर। बट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा? तो वो होता है थायरॉइड ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा? तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और लार्जेस्ट ग्लैंड तो वो होता है लीवर। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन की जब बात करेंगे तो वो होता है थायरॉइड ग्लैंड। और ये पाया कहां जाता है? तो फैरिंक्स में, फैरिंक्स और लैरिंक्स। तो फैरिंक्स और लैरिंक्स में पाया जाता है कौन सा ग्लैंड? थायरॉइड ग्लैंड। साथ ही अब ये थायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है कौन? थायरॉइड ग्लैंड। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन ये सिक्रीट कर दिया, ये क्या क्या रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में? मेंटल एबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है? तो ये है थायरॉइड ग्लैंड। क्या होता है? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर क्या होगा? थायरॉइड ग्लैंड। साथ ही थायरॉइड ग्लैंड की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होगा आपको? तो वो होगा गाइटर। गाइटर की बीमारी हो जाती है यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट हो। और इसके क्योर के लिए क्या यूज किया जाता है? आयोडीन का। किसका यूज करते हैं? आयोडीन का। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यदि यह कम अमाउंट में सिक्रीट हो। और ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है तो वहां पर क्या होता है? ग्रेव डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होगा? ग्रेव डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? ग्रेव डिसऑर्डर होता है यदि इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए एक्सेस में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास थायमस। अब थायमस का काम क्या है वो देखिए। अब थायमस जो है, थायमस पाया जाता है प्यूबर्टी में, यानी कि जब बच्चे की ग्रोथ होती है उस टाइम पाया जाता है क्या? थायमस। अब ये थायमस क्या सिक्रीट करता है? थायमोसिन। थायमोसिन हार्मोन सिक्रीट कौन करता है? थायमस। और इसका काम क्या है? जो टी सेल होते हैं, टी सेल के प्रोडक्शन और रेगुलेशन के लिए वर्क करता है थायमोसिन। इसकी ग्रोथ को करता है टी सेल। क्लियर है? तो यहां से इसे कितना याद करना है, थायमस जो ग्लैंड है वो थायमोसिन सिक्रीट करता है, और ये वर्क किसके लिए करता है? टी सेल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रिनलिन हार्मोन, क्लियर है? एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब इस एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। अब इसको क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और साथ ही इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी
कह सकते हैं। अब ये सीक्रेट कब होता है, जब आप काफी ज्यादा खुशी में हो तब ये सीक्रेट होगा, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन, और या आप गम में हो या कभी आप रोड पे चल रहे हो और आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, भागने लग जाते हैं, या सांप पड़ जाए, डर की भावना हो उस टाइम, तो वहां पर सीक्रेट कौन होगा, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पैनक्रियास। अब पैनक्रियास की हम बात करते हैं तो पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, तो पैनक्रियास जो है सीक्रेट करता है इंसुलिन। और पैनक्रियास से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। बट पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, साथ ही इसको क्या है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के लिए वर्क करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या वर्क करता है, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, किसको, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और इस इंसुलिन का काम क्या होता है, बॉडी में शुगर लेवल को क्या है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना काम किसका होता है, इंसुलिन का। और इस सीक्रेट कौन करता है, पैनक्रियास। साथ ही ये सीक्रेट क्या करता है, ग्लूकाजन भी सीक्रेट करता है। और ये सीक्रेट क्या करता है, ग्लूकाजन भी सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है, ये पैनक्रियास, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपने देखना है पैनक्रियास से, ये बाइल जूस है चाहे और भी है पैनक्रियाटिक जूस, तो उसके लिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता चल जाएगा कि पैनक्रियास क्या क्या सीक्रेट करता है इन पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ आपको इंसुलिन और ये ग्लूकोजन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोजन क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो ग्लूकोजन और इंसुलिन पैनक्रियास से देखना है बस। उसके बाद हमने बात करनी है ओवरी की। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है ओवरी। अब ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये है ओवरी गाइस। ओवरीज आप क्लियर देख पा रहे होंगे ओवरी। तो ओवरी से क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है ओवरी में, साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट कौन करता है, ओवरी। तो ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद आपके पास है टेस्टिस, यानी कि मेल जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो कहां पाए जाते हैं, टेस्टिस के स्पर्म के अंदर। तो टेस्टिस से क्या सीक्रेट होगा, टेस्टिस से जो सीक्रेट होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कहां होता है, टेस्टिस से। और ये मेल क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कह सकते हैं इसको, और ये टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म से देख सकते हैं, और ये क्या करता है, मेल जेनेटिक कैरेक्टर्स को शो करता है। और ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहां है, ओवरी में। तो ये था गाइस आपका एंडोक्राइन सिस्टम से सभी ग्लैंड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बनता है। और एक मैं इस क्वेश्चन से एक सीरीज डालूंगा आपके लिए, ताकि आप जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी एसएससी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, उसको आप कवर कर लें। और आप देखेंगे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी जूलॉजी की, उसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो गाइज बने रहिए आप नेक्स्ट टाइम के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।